चार बार मौत को मात देने वाले महेंद्र कर्मा पर शनिवार का दिन भारी पड़ा। हमले के चश्मदीदों के मुताबिक नक्सलियों के निशाने पर भले ही कांग्रेस की ये परिवर्तन यात्रा थी, लेकिन मेन टारगेट महेंद्र कर्मा ही थे। और महेंद्र कर्मा को मेन टारगेट बनाकर रखा था, ऐसा मुझे लगा वहां पर, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष थे, उनका कुछ रहा होगा जो भी है। तो जस्ट बगल में मेरे महेंद्र कर्मा जी लेटे थे, जो ऐसा और उसके पहले वो दो, तो हम मैं समझा कि एक एक गाड़ी चेक करते थे, जो थोड़ा वो साथ उसको मारते आते थे हम लोग लगातार। तो जब देखा दो गाड़ी पहले तक पहुंच गए थे, हम लोग पूरे 100 लोग जो नक्सली थे, हम लोग खड़ा हो गए, सरेंडर कर दिए। सरेंडर करके महेंद्र कर्मा ने बोला कि मत मारो यार, मत मारो, बोले हम लोग सरेंडर कर दिए। तो बोले सीधा चले आओ, हाथ सिर में पीछे करके। आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे बस्तर के जिस अशांत इलाके में नक्सलियों का प्रभाव था, उस इलाके में महेंद्र कर्मा बहुत लोकप्रिय थे। अपनी लोकप्रियता के चलते इस इलाके के लोग उनको बस्तर का शेर भी कहते थे। दंतेवाड़ा के छोटे से गांव में जन्मे 63 साल के महेंद्र कर्मा साल 1980 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने और 1990 में बस्तर जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव जीते। यही वो वक्त था जब कर्मा अपने दुश्मनों की नजर में चढ़ते जा रहे थे। दंतेवाड़ा और बस्तर के पिछड़े इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव बढ़ रहा था और इसे कम करने के लिए कर्मा अपना खून पसीना एक कर रहे थे। इस दौरान कर्मा ने करीब 6 से 7 हजार नक्सलियों को सरेंडर करवाकर मुख्य धारा में शामिल करवाया था। उन्होंने कोशिश ये की थी कि जो ट्राइबल्स है वो इकट्ठे होकर इसके विरुद्ध काम करें, मतलब उस नक्सलवादियों को रोकें। वो एक तरह से ट्राइबल्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। 1991 में कर्मा ने नक्सलियों के खिलाफ आदिवासियों में जन जागरण अभियान शुरू किया। लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि 1996 के चुनाव में बस्तर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। इसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए और 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, तब राज्य की पहली सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री बनाए गए। राज्य में कांग्रेस जब सत्ता से बेदखल हुई, तब 2003 में विपक्ष के नेता बने, लेकिन इस दौरान नक्सलियों के खिलाफ अपनी आवाज कम नहीं होने दी। इसी दौरान महेंद्र कर्मा ने नक्सलियों से निपटने के लिए जो रणनीति बनाई और उसके बाद तो नक्सली उनके जान के दुश्मन हो गए। नक्सलियों से निपटने के लिए कर्मा ने आदिवासी युवाओं को एक दस्ता बनाया, जिसे सलवा जुडूम कहा गया। मकसद था नक्सलियों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देना। शुरुआत में इस दस्ते को राज्य सरकार का भी समर्थन हासिल हुआ, लेकिन जैसे जैसे सलवा जुडूम के खिलाफ शिकायतें आने लगी, कर्मा के दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली गई। एक समय तो कांग्रेस ने भी कर्मा से किनारा कर लिया था। धीरे धीरे कर्मा ने भी इससे दूरी बनाना ही बेहतर समझा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्मा नक्सलियों के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। कई बार नक्सलियों ने कर्मा की जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन किस्मत के धनी कर्मा हर बार बचते रहे। पिछले साल नवंबर महीने में भी उन पर बारूदी सुरंग से अटैक किया गया, जिसमें उनके ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड बुरी तरह जख्मी हो गए थे। परिवार के 15 लोगों को खोने के बाद महेंद्र कर्मा को सरकार ने Z+ की सुरक्षा दी थी। इस बार वो राज्य में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे थे।